नमस्कार, स्वागत है आपका माय नेशन के 100 सेकंड से। मेरा नाम है अमल चौधरी और आइए देखते हैं दिन के कुछ मुख्य समाचार। पाकिस्तान में लाहौर की अदालत ने बुधवार को मुंबई हमले के मुख्य आरोपी जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के 2 मामले में दोषी पाया। इसके साथ ही अदालत ने 5 साल की कैद की सजा भी सुनाई। निर्भया के गुनहगारों का नया डेथ वारंट जारी करने की मांग पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में दोषी पवन गुप्ता ने कहा कि उसके पास कोई वकील नहीं है। इस पर अदालत ने उसे कानूनी मदद देने की पेशकश की। गैस कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बुधवार से 144.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। जनवरी 2014 के बाद से रसोई गैस के दामों में सबसे बड़ा इजाफा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल को आप विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वे 16 फरवरी को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। असम में तैयार हुई राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की अंतिम सूची आधिकारिक वेबसाइट से गायब हो गई है। इसके बाद लोगों के डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब केंद्र सरकार ने सूची ऑफलाइन होने को तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए पूरा डेटा सुरक्षित होने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डांडिया खेलते दिख सकते हैं। ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है और सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन का खामियाजा उठाना पड़ा है। आईसीसी की ताजा जारी गेंदबाजों की वनडे रैंकिंग में वो अपना शीर्ष स्थान गंवाकर दूसरे स्थान पर फिसल गए हैं। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर आ गए हैं। माय नेशन के 100 सेकंड्स में फिलहाल इतना ही। ऐसे इन खबरों और वीडियोस के लिए बने रहिए माय नेशन के साथ।